हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। होप कर दो सारे भाई बढ़िया होगे, मैं बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। तुम्हारा भाई खुशी लेके निकला है काफी दिनों के बाद, मतलब मोटो व्लॉग कर रहा हूँ मैं काफी दिनों के बाद। लेके तो रोज ही घूमता हूँ इसको मैंने लोकल एरिया में, तो अभी तक जो मैंने इसमें अज्यूम करा है, जो फील करा है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ अपनी मुंह जुबानी। तो वीडियो को लाइक करते, चैनल पर सब्सक्राइब करते हैं। बाकी बात करें आज, तो आज है छोटी होली, तो हैप्पी होली मेरे भाइयों को। कल भी होली है, कोई चक्कर नहीं बाबा, आज भी रंग खेलेंगे, कल भी रंग खेलेंगे। बाकी जो भाई आप लोगों से बोल दूँ होली को लेकर, कि बहुत ही जो है ना पीसफुली होली को इंजॉय करो, घर में रहकर करो या घर से बाहर रह करो, बट वही है कि कायदे में रहकर करो, दायरे में रहकर करो। क्योंकि भाई देखो, किसी भी चीज़ का दुरुपयोग, अननेसेसरी मतलब यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि भाई जो ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं वो ना करें, और बाकी जो भाई होली के साथ खेलते खेलते लड़ाई झगड़ा करते हैं वो भी ना करें। घर में बैठ के खाएं पिए, रंगोली खेलें, होली खेलें, रंगोली बोल रहा हूँ, होली खेलें, गुजिया उजिया खाएं। और भाई किसी को गुजिया खोए वाली मेरे घर भिजवानी हो तो भाई कमेंट कर देना, एड्रेस बता दूंगा, भेज देना पोर्टर है ना भाई, तो वो करवा देना पिकअप। देख रहे हो भाई, तो आज हम इसी की चर्चा करने वाले हैं, ओके की रिपोर्ट। तो फिलहाल जो सीन है ना भाई, देखो ऐसा है कि बाइक के अंदर जो मैंने काम कराया, ये किन भाइयों को कराना चाहिए, किन भाइयों को नहीं कराना चाहिए, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। वायदा कर देता हूँ बंद। तो मुद्दा ये है कि देखो भाई, सीधी सी बात है कि मैंने जो समझा ना, मैं बताऊँगा आपको। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सिर्फ आप लोगों की अवेयरनेस के लिए, ताकि आपका फ़ायदा हो पाए, ताकि आप लोग अपना जो है एक होता है डिसीजन ले पाओ कि हाँ भाई हमें कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। एक तो ये चीज़ क्लियर है, और दूसरी चीज़ जो सबसे पहले वाली वीडियो बनाई थी उसमें एक भाई ने कमेंट किया था कि दानिश भाई क्यों पता नहीं क्यों पागल बना रहे हो या क्यों झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ बोला था उस बंदे ने। तो मैं बता दूँ कि मेरे भाई, ना तो वाली वीडियो से मेरे को कोई फ़ायदा हुआ है, ना ही मेरे को इस वीडियो से कुछ फ़ायदा होने वाला है, और ना ही जितनी भी मैंने मैकेनिकल वीडियो है, सर्विस से रिलेटेड वीडियो डाली है, उससे मेरा आज तक कोई फ़ायदा हुआ है। ठीक है जी, पहली चीज़ तो ये क्लियर हो जाती है। दूसरी चीज़ ये क्लियर होती है कि भाई, ना मैं क्लच प्लेट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, ना मैं इंजन ऑयल बना रहा हूँ, ना मेरी दुकान है, और ना ही मुझे कोई लेना देना है। आपको ये काम कराना हो कराओ, नहीं कराना मत कराओ, ठीक है। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कराना है या नहीं कराना, ठीक है जी। मेरे को कराना था, मैंने करा लिया, ठीक है। मेरा काम है भाई एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ यूट्यूबर, आप लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट करना। आपके ऊपर है कि आप कितना ग्रैब कर रहे हो ये वाला कंटेंट, अपनी बाइक में काम करवा रहे हो, वो आपके ऊपर है। कोई आपको थोप नहीं रहा, कोई आपको कुछ नहीं बोल रहा, ऑलराइट, ये चीज़ क्लियर है। अब बात करते हैं कि भाई ये बाइक जिसे मैंने कराया, तो इसमें मैंने क्या महसूस किया है जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। पहला तो मैं रिस्पॉन्स ये महसूस किया है कि जो मैं थ्रोटल देता हूँ नॉर्मली 50%, 60% या 70% या 100%, उसमें थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। मतलब कि मेरा जो एक्सेलेरेशन है वो थोड़ा कम हो गया है, पिकअप के अकॉर्डिंग देखा जाए। उसमें ये है कि मतलब मेरे को थ्रोटल देना पड़ रहा है पूरा भर के, तब गाड़ी उठ रही है, तो वो चीज़ मुझे देखने को नहीं मिल रही। थोड़ा सा कम देता हूँ तो ही भाई उठ जाती है। एक तो मैंने इनिशियल में ये फील किया है, ठीक है जी। कुछ नहीं हुआ बढ़िया भाई, अरे पहचान लिया, अरे तुम तो स्प्लेंडर वाले, हाँ सही है सही है। यहाँ कहाँ जा रहे हो? हाँ अच्छा, और सब बढ़िया, सही है। मैं कह रहा आवाज़ तो आ रही है कहीं से, कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसके अंदर इनिशियल जो है आपका अच्छा हो जाता है। हाँ भाई बढ़िया, सही है, एमटी है भाई, इससे कौन जीतेगा, इससे जीत नहीं पाऊंगा भाई। 5 प्लेट डलवाऊँ या 6 डलवाऊँ, इससे जीत नहीं पाऊंगा मैं। लिक्विड कूल गाड़ी है, पर ट्रैफिक में जीत जाऊँगा इससे। तो मुद्दा ये है कि एक तो इनिशियल अच्छा हो गया, पिकअप आपने देख ही लिया है। पहले क्या था, रनिंग में गाड़ी उछलती थी, बट थोड़ी स्लो रनिंग में उछलती थी, अभी ज़्यादा रनिंग में भी उछल पा रही है। एक तो ये भी अच्छा हो गया है, व्हीली पॉपअप करने के लिए जो मेरे को एफर्ट्स लगाने पड़ते थे वो एफर्ट्स लगाने नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के इनिशियल बहुत अच्छा हो गया है, टॉप एंड में बोलूँ तो कोई कमी नहीं है। फिलहाल भाई हो चुका है पंप, भाई भगाई जा रहा है वो, देखो आई टोपा उड़ रहा है उसका बंदे ने बेल्ट नहीं लगाई उसकी टोपे की, तभी उड़ा जा रहा है वो देखो। और इतना ढीला है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मतलब लड़का ढीला नहीं है, लड़का ढीला है ही सॉरी, लेकिन इसका हेलमेट भी ढीला है भाई। मैं आप लोगों को बोलूँगा, बीच में ये चीज़ भी डाल रहा हूँ, एड ऑन कर रहा हूँ, मतलब ये वाले राइडिंग रिव्यू में, कि भाई आप ना मेक श्योर जब भी हेलमेट पहने तो हेलमेट टाइट पहने, पैडिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए। अगर पैडिंग उसकी फुस्सी होगी ना तो वो किसी हेलमेट किसी भी काम का नहीं है, मैं तुम्हें बता दूँ पहले ही। मैं इस लड़के को देखूँ शक्ल, 100% में पैडिंग भी नहीं है। हैं भाई बढ़िया नारकी दिखाइयो, खाली पड़ा यार, क्या सेफ्टी होगी।
यार तुमने बाइक इतनी अच्छी ले रखी है लेकिन हेलमेट अच्छे नहीं है भाई। हेलमेट अच्छे लो। अच्छा चलो सही है सही है। हाँ नहीं बढ़िया हेलमेट अच्छे बनाऊँ। तो फिलहाल ये है सीन कि भाई तो हेलमेट अच्छा होना चाहिए। देखो बंदे के जो है ना फॉर्म वॉर्म कुछ भी नहीं लगा था, मतलब पैडिंग के नाम पे कुछ भी नहीं था, तो ये कर लो। और दूसरी अब बात बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं मुद्दे की ओर। तो हमारा जो मुद्दा है भाई वो ये है कि भाई क्लच प्लेट डलवाने से पिकअप अच्छा हो गया इनिशियल। अब कई बंदों में चल रहा होगा स्पीड बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तो भाई स्पीड नहीं बढ़ी है, ठीक है। जो स्पीड थी वही स्पीड है, मैंने चेक भी कर ली है। अगर आप कहोगे कि भाई मैं आपको प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो दूँ चेक, मतलब कि रेस वाली, मतलब इसमें टॉप एंड दिखाऊँ मैं इसका, तो बता देना, फिर इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊँगा किसी अच्छे रोड पे जाके जहाँ पे फुल मैं खींच पाऊँ से, ठीक है जी। तो बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आपको फुल स्पीड वाली वीडियो चाहिए कि भाई देखिए इसका टॉप एंड कितना जा रहा है कितना नहीं, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा दोस्तों, अगर आपके कमेंट अच्छे आएंगे तो इस वीडियो में, ठीक है ना। बाकी यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। और दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि भैया किन भाइयों को नहीं कराना चाहिए, मैं बताया देता हूँ। तो उन भाइयों को नहीं कराना चाहिए जिन भाइयों को लोकल चलना है। लोकल मतलब कि जैसे ये लोकल रोड एक तरह से बोलूँगा, ज़्यादा हाईवे रोड तो नहीं बोलूँगा इसको मैं, तो लोकल रोड है। तो इन रोडों पर अगर चलना है आपको तो आप नहीं कराओ, मत कराओ, ठीक है। अगर आपको ऑफिस से घर, घर से ऑफिस करना है मत कराओ। अगर आपको फैमिली पर्पज़ के लिए बाइक रखी हुई है मत कराओ। कितनी चीज़ें हो गई, एक हो गई आपके लोकल घूमने के लिए मत कराओ, फैमिली के साथ जाना है तो ही मत कराओ, ऑफिस से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस करना है मत कराओ। फील्ड में जोमेटो टाइप जॉब नौकरी करते हो, रिपोर्टर में, आपको जिसमें भी करना है मतलब नौकरी, जो फील्ड में नौकरी करते हो मत कराओ, फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपको क्या कराना चाहिए वो बता देता हूँ। आपको टाइम से सर्विस करानी चाहिए, जितना ऑयल नया रहेगा ऑयल जल्दी जल्दी बदलवाओगे उतना इंजन आपका सही रहेगा, इंजन की लाइफ बनी रहेगी। पहली चीज़, ऑयल ज़्यादा गंदा हो जाता है तो भी इंजन की लाइफ ख़राब होती है, कार्बन वार्बन जम जाता है, उससे दिक्कत आने लगती है, ठीक है। तो इंजन ऑयल नया डलवाओ हमेशा, और जल्दी जल्दी चेंज कराओ। मतलब कि जहाँ तुम सर्विस कराते हो 3,000 रुपये, तो वहाँ 2,000-2,500 रुपये कराओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2,000 रुपये कराते तो 1,500 रुपये कराओ अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो, ठीक है। और अब बात आती है ऑयल कौन सा डलवाओ आप, ये वाला ऑयल कैसा है कैसा नहीं। तो देखो ऑयल को ना मैं बिल्कुल अभी भी ये नहीं बोलूँगा कि अच्छा है या बेकार है, अभी भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि इस ऑयल से मैंने राइड नहीं करी है। इस ऑयल डलवाने के बाद मैंने कभी भी, ये ऑयल डलवाने के बाद मैंने अभी तक 100 किलोमीटर की राइड नॉन स्टॉप नहीं करी है। एक होता है ना कि 100 किलोमीटर चल लिया उसके बाद इंजन की आवाज़ कैसी आ रही कैसी नहीं, तो वो चीज़ों में भी आपको बोलूँगा कि अभी मैं ये बोलूँगा कि अभी रुक जाओ आप, मतलब कि अगर डलवाना है डलवा लो, बाकी मेरी तरफ से रिकमेंड नहीं है अभी ये वाला ऑयल, ठीक है ना। अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई देखो ये चीज़ ज़रूरी है, सब्सक्राइब करना फ्री है, बट आपको एक तरह से मैं जो वो दे रहा हूँ, क्या नाम है, नॉलेज दे रहा हूँ, और जो आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, तो यार वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सब्सक्राइब भी कर लो प्लीज़। और अगर बात करें ऑयल की, तो ऑयल मैं आपको बता दूँ फिलहाल जो मैं यूज़ करता आ रहा था मोटुल का करता हुआ रहा था। पहले मैंने 3100 गोल्ड इसमें यूज़ किया था, फिर मैं करने लगा था 5100 मोटुल का, 5100। तो आप लोगों को बोलूँगा अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो 5100 डलवाओ, वरना फिर 3100 गोल्ड डलवा लो। उस्ताद जी का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिनसे मैंने काम कराया था। तो सीन ये है कि मैं नंबर उनका इसलिए दे रहा हूँ कि वहाँ पे आपको मोटुल 3100 गोल्ड भी मिल जाएगा, 5100 भी मिल जाएगा, शेल भी मिल जाएगा, शेल एडवांस भी मिल जाएगा जो मैंने इस बाइक में डलवाया है। लेकिन अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं उसको रिकमेंड नहीं कर रहा, बट हाँ ये है कि अभी मैं उसको बुरा भी नहीं बोल रहा, तो ये चीज़ें अभी यहीं रखते हैं। और अगर बात करें, मैंने आपको बता ही दिया किन भाइयों को डलवाना चाहिए किन भाई को नहीं डलवाना चाहिए, क्लच में 5 प्लेट है, ठीक है। और रही बात वो जो बोलते हैं कि अपाची के, कितने कमेंट है कि अपाची की डलवा लो इसकी, भाई कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मैं कह रहा हूँ तुम अपाची की क्लच पर डाल के अपनी बाइक ले आओ, और मैं स्प्लेंडर की जो स्टॉक हीरो की जो क्लच पड़ती है मैं वो डाल के ले आता हूँ, आप उसके बाद मेरे से रेस लगवा लो या मेरे से तुम बाइक को छुपा लो, सेम ही रिस्पॉन्स मिलेगा। ये सब रहने वाली बातें होती हैं कि अपाची डाल दो तो ये हो जाता है, उससे डाल दो तो ये हो जाता है, सिर्फ दिमाग का मिथ होता है। जब आपकी गाड़ी में नई क्लच पर डलती है ना भाई, तो पिकअप ऑटोमेटिकली आपका बूस्ट हो जाता है, बूम हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि क्लच प्लेट उसकी डाल दो तो गाड़ी आपकी पागल हो जाएगी, ऐसा होता ना तो पता नहीं कंपनी करके बैठ चुकी होती। कंपनी के अंदर ना हमारे तुम्हारे से ज़्यादा तगड़े दिमाग वाले इंजीनियर बैठे हुए, जो बाइकें बना रहे हैं, जो बाइकों को डिज़ाइन कर रहे हैं, जो R&D में बैठे हुए टीमों के अंदर, ठीक है ना। तो ये सब खेला बंद कर दो मेरे भाइयों, इन पे जो है ट्रस्ट मत किया करो कि TVS अपाची की डाल लो कि होंडा की डाल लो कि इसकी डाल लो, ये फेक होती है, कुछ नहीं होता भाई, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। बाकी देखो आपके ऊपर है, मैं फिर बोल रहा हूँ मेरी दुकान नहीं है, मेरा कोई काम नहीं है, जो मैं आपको अपना धंधा बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना मेरे भाई। तो इसलिए बोल रहा हूँ मन हो तो कराना वरना मत कराना। तो किस भाई को कराना चाहिए ये काम, तो मेरे उन भाइयों को ये काम कराना चाहिए जो लॉन्ग राइड करते हैं मेरी तरह, या गंदी गाड़ी चलाते हैं मेरी तरह। मैं गंदी इसलिए बोल रहा हूँ, मैं व्हील ही मारता हूँ कभी कभी,
मैं भाई लंबी लंबी खींचता भी हूँ, मैं अग्रेसिव भी चलाता हूँ, एक एक गियर को लंबा लंबा खींचता हूँ, मैं इसमें लोड देता हूँ, तो उन भाइयों को ये वाला काम कराना चाहिए, ठीक है ना। तो बस ये एक ही कैटेगरी बनती है, जो भाई काम कराना चाहें वो करा सकते हैं, बाकी जितने भी और नॉर्मल भाई हैं हमारे स्प्लेंडर चलाने वाले, नॉर्मल गाड़ी चलाते हैं जो, उनको ये काम नहीं कराना है। उनको अपनी गाड़ी के अंदर टाइम टू टाइम सर्विस, एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग ये चेंज कराते रहना है, टायर प्रेशर सही रखना है, चेन टाइट रखनी है, व्हील जो पीछे का जो होता है हमारा टायर पीछे वाला वो टाइट नहीं चलना चाहिए, स्मूथ चलना चाहिए, इवन दोनों टायर स्मूथ चलने चाहिए, तो उससे आपकी एवरेज भी बढ़ेगी, आपका पिकअप भी बढ़ेगा, हर एक चीज़ में बढ़िया रहेगा, गाड़ी पर लोड भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने आपको मैसेज दिया है, ओवरऑल राइड रिव्यू किया है, वो बताना कैसा लगा आपको कैसा नहीं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय, एंड वंस अगेन हैप्पी होली। और मैं सही बोल रहा हूँ आपसे, अगर किसी को गुजिया भिजवानी हो ना मेरे घर पे अच्छी खोए वाली, तो भाई मुझे ना पर्सनली आप इंस्टाग्राम पे वॉइस कॉल कर देना और मैं एड्रेस बता दूंगा भाई, मेरे एड्रेस पे आप भेज देना, ठीक है भाई।